Bachas, how are you all? I hope you all are very good this morning. So this side, your Simran ma'am welcomes you all to your maths class. Fisher maths. क्या करें? Counting तो complete करनी है क्योंकि we are completed with A to Z. तो हम क्या करेंगे? Counting start करें. This is your revision time. Ma'am ने promise किया था ना कि ma'am revision कराएगी. तो ma'am is here. तो आज हम revise करेंगे 1 to 30 because we are done with numbers. 1 टू 30 तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और काउंटिंग राइट डाउन कैसे करनी है वो मैम बताती है. दिस इज़ योर नोटबुक एंड दिस इज़ योर वर्कबुक. तो वर्कबुक को तो हम साइड में रखते हैं, पहले नोटबुक को चेक करते हैं. आपको राइट डाउन कैसे करना है? यू हैव टू राइट टी ओ ओके मीन्स टेंस वंस. देन क्या करना है? विदाउट लीविंग अ ब्लॉक यू हैव टू राइट वन. Then you have to leave a block. Then you have to write two. Then leave a block. ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है आगे. फिर क्या करना है? जब 10 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, सपोज यहाँ पे आपका 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है? You have to leave a line, leave a row. Then you have to write T O. अब 10 के बाद किसकी ट्रेन आती है? ये हम रिवाइज करेंगे फिर बताएंगे. सेम एज इट इज आपको यहाँ पे वन रो लीव करनी है, देन टी ओ लिखना है. ओके, ये आपका नोटबुक का प्रोसेस है. अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं. सो मैम करा रही है रिवीजन बुक में, आपको क्या करना है? नोटबुक में ही करना है. तो ये आपकी रिवीजन टाइम है. सी, ये बुक वर्क है आपका. दिस इज पेज नंबर 31. आप सब बच्चों ने कर भी रखा है 1 to 10. आपको क्या करना है? मैम इन डॉट्स को ट्रेस करेगी, आपको ये बाकी की 2 लेफ्ट लाइंस खुद करनी है. ओके, शैल वी स्टार्ट राइटिंग? चलो, अब आप मैम को बताओगे कि विच नंबर इज दिस. दिस इज नंबर 1. अब नंबर 1 वंस के नीचे क्यों लिखा? क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है. जब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं तब हम लिखते हैं टेंस वंस. ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग नाउ. आप भी मैम के साथ राइट डाउन करोगे. मैम इज यूजिंग अ ब्लैक कलर. मैम विल यूज डिफरेंट कलर्स. आप क्या करोगे? पेंसिल से यूज करोगे, अपने पेंसिल से ही राइट डाउन करोगे. सो फॉर वन यू नीड अ स्टैंडिंग लाइन. ओके, द नेक्स्ट नंबर कम्स. नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? टू कैसे राइट डाउन करते हैं? लाइक आई एम यूजिंग अ रेड कलर. यू आर नॉट सपोज टू यूज क्रेयॉन्स, यू आर सपोज टू यूज ओनली योर पेंसिल्स. आपको पेंसिल ही यूज करना है. तो व्हाट डिड वी राइट? 1 2. 1 और 2 के बाद क्या आता है? 3. चुप्स, रॉन्ग हो गया. Done. So 1 2 3. See ma'am ka one wrong hai. To hum kya karenge? Isko erase karenge. Oops. No worries, ma'am will write again. Ma'am is writing again for you. Ab kya karna hai? 1 ko bilkul straight draw karna. So you will write 1 like this. Again. ठीक है. Now, next number comes here, number 2. We will write number 2 using different color. Okay, so this is number 2. For 2, you need a curve and then sleeping line. थोड़ी सी डॉट मिसिंग है. वंस अगेन, फॉर 2 यू नीड अ कर्व एंड द स्लीपिंग लाइन. वी आर डन विद 2. दिस इज 1, दिस इज 2. नाउ 3. नेक्स्ट नंबर कम्स 3. यू आर ओनली सपोज टू ट्रेस द डॉट्स. आपको यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, यहाँ पे राइटिंग करनी है. अब मैम ने 3 नंबर्स लिख लिया. अब मैम को बताओ चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4. अच्छा, ये वाला 4 आपका रॉन्ग है ना? आपको पता है हम राइट डाउन कैसे करते हैं 4?
कैसे करते हैं? पहले स्मॉल वन बनाते हैं, देन स्लांटिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन, ऐसे ही बनाते हैं वन। सॉरी फोर, ये वाला फोर आपका रॉन्ग है, आपको ऐसे फोर नहीं बनाना, आपको यही वाला फोर बनाना है। ये वाला रॉन्ग है, ये वाला बनाना। ओके, तो आपको ये वाला फोर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। नो प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर ही ड्रॉ करोगे, ठीक है? एक और बार बता देती है मैम कैसे, स्मॉल वन, देन ऐसे एंड देन ऐसे। सी मैम इज राइटिंग इन दिस ब्लॉक, स्मॉल वन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नंबर फाइव राइट डाउन करेंगे। नंबर फाइव, नाउ इट इज विजिबल। तो हम क्या करेंगे, नंबर फाइव को न्यू कलर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। दिस इज ब्लू कलर, पता है कौन सा कलर है? ब्लू। नाउ फॉर फाइव यू नीड अ, क्या चाहिए आपको, कौन सी लाइन चाहिए, कौन सी लाइन है? स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड। देन ऑप्स रॉन्ग हो गया, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल वन, देन कर्व। सब बच्चा आज मैम की फॉर्मेशन भी चेक करेंगे और अपनी फॉर्मेशन भी चेक करेंगे, ओके? जिसकी रॉन्ग होगी आप मैम को बताना, मैम आपको बताएगी। नाउ नेक्स्ट नंबर कम्स, नंबर सिक्स। विच नंबर कम्स नेक्स्ट? सिक्स। अब सिक्स कैसे राइट डाउन करते हैं? एवरीवन नोज, स्लांटिंग लाइन, देन कर्व। वी आर डन विद नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। नाउ नेक्स्ट नंबर कम्स हियर, नंबर सेवन। नो दिस कलर, ओके। फॉर नंबर सेवन यू नीड अ स्लीपिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन। दोबारा मैम बनाए, ओके, क्लियर वन। फॉर नंबर सेवन यू नीड स्लीपिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन। ओ वी आर डन विद नंबर सेवन। तो नेक्स्ट नंबर कम्स एट। नाउ चेक दिस एट, ये एट है रॉन्ग, तो आपको एट कैसे बनाना है? ये वाला रॉन्ग है एंड देन यू हैव टू मेक एट लाइक zigzag। मैं हमने आपको बताया था ना, ऐसे बनाना है आपको। वन मोर टाइम बता रही है मैम, यहाँ पे चेक इट आउट कैसे बनाना है। थ्री डॉट देन zigzag, ओके, दिस इज नंबर एट। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर लास्ट टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन के लिए, ओके? तो एट के बाद क्या आता है, नंबर नाइन। वट कम्स आफ्टर एट, नंबर नाइन। तो नंबर नाइन के लिए आपको क्या चाहिए, वेरी इजी, स्टैंडिंग लाइन, देन टर्न, ओ बिग टर्न, वंस मोर, ठीक है? ओके, सो द लास्ट नंबर कम्स 1 0 10। आप क्यों खाली 10 रीड नहीं करोगे, आप क्या रीड करोगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो 1 0 10, ओके? नाउ वी विल राइट 1 0 10। फॉर 1 यू नीड अ स्टैंडिंग लाइन एंड फॉर 0 यू नीड अ बिग सर्कल। We are done with number 1 2 10. Revise kare one time, okay? So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10. How will you write?
एंड हाउ विल यू स्पीक? 10. 9 के बाद क्या आता है? 1, 0, 10. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज 11 to 20. अब हम रिवाइज करेंगे 11 to 20. इस पे डॉट्स नहीं है, मैम डॉट्स पुट ऑन करके दे दिया है. आप अपनी डॉट्स पुट ऑन करो, आपकी मम्मा करेगी, इधर मैम पुट ऑन कर रही है. चलो देखते हैं किसकी जल्दी होती है. मम्मास काइंडली पुट द डॉट्स प्लीज. मैम भी तो कंप्लीट होने वाली है. कंप्लीटेड फास्ट. 2 लेफ्ट. नाउ ये मैम जीत गई. किसे किसे कर लिया? ओके, तो सब बच्चा ने डॉट पुट ऑन करवाई है मम्मा से. नाउ वी विल राइट 11 to 20. आई एम यूजिंग रेड क्रेयॉन, डोंट यूज योर रेड क्रेयॉन. नाउ सी. ओप्स ओप्स. Nope, 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 nope. Okay. Now have a look. Visible? Okay. So now we will write 1, 1, 11. First number comes. This is 1, this is 1. 11. So 11 ko kaise read karenge? Not direct 11. It's 1 and 1. Ma'am ne bataya tha na number 11 kaise form hota hai? Jab number 1 aur number 1 meet karta hai, to 11 form hota hai. Now start writing number 11. For one, you need a standing line. Straight. Oh, ma'am, it's straight. Now it is straight. Again, no curvy, no. We want straight one. Oops. Jitni baar wrong hoga, utni baar isko erase karenge aur bilkul correct karenge. Okay? Now straight. No, little bit curvy. Now straight, okay? So we are done with 11. Now 1, 2, 12. For 1, you know what we need? Standing line. Again. And for 2, you need a curve like this and sleeping line. We are done with 1, 1, 11. 1, 2, 12. Now we will write 1, 3, 13. See. सब बच्चा मैम के साथ करेंगे. लेट्स सी किसका जल्दी होएगा. चलो. ओ स्ट्रेट है वन. नो इट्स कर्वी कर्वी. वी वांट स्ट्रेट. चेक द फॉर्मेशन नाउ. करेक्ट. ओके. नाउ फॉर 3. ठीक है. No. Now it is correct? No, क्योंकि डॉट से ऊपर आ रहा है. आपको क्या करना है? आप सोच रहे हो मैम बाबा रॉन्ग बना रही है. मैम रॉन्ग नहीं बना रही है, जस्ट बिकॉज मैम मिस्टेक्स बता रही है. ठीक है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऐसे राइट डाउन करना है, ना ही तो डॉट से ऊपर ना डॉट से नीचे, ओनली ऑन द डॉट्स. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर 1, 4, 14. क्या आता है? अगेन दिस 4 इज रॉन्ग. यू नो ना विच 4 यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट दिस 4. देखो मैम ने यहाँ डॉट पुट ऑन करी है, यही बनाएंगे. सो फर्स्ट 1 एंड देन 4. ओके. नेक्स्ट नंबर 15. Chalo. For 1, you need a standing line is straight. Nahi na?
Okay, we will write one more time. One sleeping line, standing line, curve. Now it is correct. Parents, please check the formation कि बच्चा बिल्कुल सही बना रहे हैं. That's ताकि हम आगे forward कर पाए ना, क्योंकि अगर formation wrong होगी तो वो wrong हो जाएगा. तो let's move to the second one. Next number पे move करते हैं. चलो 15 के बाद क्या आता है? 15 के बाद 16. 16, very good. सब बच्चा इसको आ गए है ना. Okay, for one. Oops, ये तो डबल कलर यूज हो गया, कोई बात नहीं. पता आपको मैम फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे? सी वन ओ ना सिक्स. नॉट अ परफेक्ट वन ना. ओके comes green है ना, अच्छा लग रहा है ना. ओके नाउ वी विल यूज अनदर कलर. मैम की फिंगर में भी कलर आ गए. नेक्स्ट नंबर कम्स 1717. वेरी गुड, लुकिंग नाइस. ओके सो लास्ट थ्री नंबर्स वी आर गोइंग विद. हमारी काउंटिंग कंप्लीट होने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं. चलो नाउ वी विल राइट विद दिस कलर. चलो नेक्स्ट नंबर इज 1717 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1818. वन अब एट कैसे बनाना है? यस जिगजैग वाला. यस ये बनाना है. नो नॉट अ क्लियर अगेन. अच्छा अब इसमें मिस्टेक बताओ मैम की मिस्टेक क्या है. देर इज अ मिस्टेक. फाइंड दैट मिस्टेक. लो अब विजिबल है. यस दिस वन. ये मिस्टेक है क्योंकि ये लाइन से टच नहीं हो रहा ना. तो हम क्या करेंगे इसको? व्हाट वी विल डू, इसको करेक्ट करेंगे. वेट फॉर द अनदर वन. सी नाउ वी विल मेक द करेक्शन हियर. सी आपको फुल लाइन से टच करना है उसको एंड देन यू हैव टू गो अप. अब ठीक है, जस्ट बिकॉज लाइन को टच कर रहा है तो ऐसी आपको मिस्टेक फाइंड करनी है आपने और उसको खुद करेक्ट करना है, क्योंकि मैम वहाँ पे नहीं है ना आपकी मिस्टेक फाइंड करने के लिए. तो आपको खुद फाइंड करनी है और खुद करेक्ट करना है. सो राइट टू लास्ट टू नंबर्स 1919. अब 1919 कैसे राइट डाउन करते हैं? यू नो फॉर वन यू नीड अ स्ट्रेट लाइन and for 9 straight line and a oops. अच्छा चलो इसमें मैम की मिस्टेक बताओ. There is a mistake. Find that mistake. See, मैम बताती है ये मिस्टेक थी कि यहाँ से 9 बाहर जा रहा था. कहाँ जा रहा था? आउट ऑफ द लाइन जा रहा था. ऐसे नहीं बनाना, यू हैव टू मेक अ स्मॉल कर्व. ओके क्लियर. ओके द लास्ट नंबर कम्स. अच्छा मैम को बताएंगे ये नंबर तो हाइड हो गया. 1919 के बाद किसकी ट्रेन स्टार्ट होगी? अच्छा 1 के बाद क्या आता है? 2. वेरी गुड. एंड 9 के बाद तो 0 ही आता है क्योंकि 10 आता है 9 के बाद. तो दिस नंबर इज 2020. वी विल गोइंग टू राइट 2020. फॉर 2 यू नीड 2 means curve and the sleeping line, and for 0 you need the circle. We are done with 1 to 20. Chalo let's revise one time. See 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14. Sab bachas bol rahe hai na, speak with ma'am. 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, and 1 8 18, and the last two numbers are 1 9 19, 2 0 20. So we are done with 1 2 20. Wait, class is not over.
अभी 20 to 30 रिवाइज करेंगे. द लास्ट वन कम्स दिस. राइट द न्यूमरल्स 21 to 30. ये आपका रिविजन टाइम सी. तो आपको क्या करना है, ऐसी काउंटिंग प्रोसीड करनी है नोटबुक में भी जैसे हमने बुक में करी है. तो ममाज डू योर होमवर्क, देखते हैं कौन विन करता है नाउ. चलो पुट द डॉट्स फास्ट. इफ समवन डोंट नो द डॉट हाउ टू पुट द डॉट प्लीज चेक ऑन द बोर्ड. मैम इज विनिंग. तो विन कर लिया. किसकी किसकी मम्मा ने विन किया? वेरी गुड ऑल ऑफ यू. सो नाउ हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. डॉट्स पुट ऑन हो चुके हैं, मम्मा का कोई वर्क नहीं है, अब सिर्फ किड्स और मैम का वर्क है. ठीक है, तो मैम के साथ साथ राइट डाउन करेंगे ताकि आप भी इजीली फटाफट से कर लो. सो द फर्स्ट नंबर काम जैसे ये बताओ कि 2020 के बाद किसकी ट्रेन आएगी. 2121. वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको पता है ना. ओके सो वी विल राइट नाउ 2121. कैसे लिखते हैं, एवरीवन नोज. ऑप्स यू हैव टू राइट विद इन द ब्लॉक एंड विद इन द लाइंस. नाउ टेल मी मिस्टेक. मिस्टेक क्या है इस टू में, टू में मिस्टेक है ना. वेरी गुड. ये यहाँ से कैसा हो गया, कर्वी. आपको कर्वी नहीं बनाना है, आपको पॉइंटेड बनाना है. सो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, देन दोबारा मेक करेंगे. सी यू हैव टू टच द लाइंस. नाउ इट इज ओके. ओके सो द नेक्स्ट नंबर कम्स 2 to 22. 2121 के बाद 2 to 22. 2 2. ओह इट्स फन यूजिंग फिंगर्स. देखो मैम के फिंगर में भी डिफरेंट कलर है, पहले ब्लू था अब रेड है. नाउ 2 3 23. कौन से कलर से राइट डाउन दे रहे मैम बताएंगी, पहले हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा. चलो नाउ विजिबल. ओके नाउ वी विल राइट using green. Okay, so we will write 2 3. Ma'am ko formation batane ki need nahi hai na. Yes, because you know. Now 2 4 24. Chalo मिस्टेक है. यस बहुत सारी हैं, बताओ बताओ क्या है मिस्टेक इसमें. सी मैम बता रही है, पहले एक तो ये लाइन से बाहर हो गया, फर्स्ट मिस्टेक. सेकंड मिस्टेक ये भी लाइन से बाहर हो गया और ये इस वाली लाइन को टच कर रहा है. सो मैनी मिस्टेक्स आ देयर, इस लाइन को भी टच कर रहा है ना. तो ऐसे आपको अपनी मिस्टेक भी फाइंड करनी है. मैम ने अपनी करी, लेट मेक इट करेक्ट नाउ. आप इरेज करो अगर आपने भी रॉन्ग बनाया है. ओके नाउ वी विल राइट अगेन 2 4 24. नाउ इट इज ओके.
Very good. So now we will write next number. That is 2525. Jaldi jaldi karenge. 5 numbers are left only. 2. ठीक है. 5. इसमें मिस्टेक है? है? क्या है बताओ? क्या मिस्टेक है इसमें? एक तो ये 5 आ गया बाहर. ये वाला कैसे जा रहा है? लाइन पे टच नहीं हो रहा. ठीक है, ये मिस्टेक है ना. लेट्स मेक इट करेक्ट नाउ. बिल्कुल सही सही बनाएंगे, रॉन्ग कोई नहीं बनाएगा. यू हैव टू यूज द लाइन्स, यू हैव टू टच द लाइन्स एंड यू हैव टू राइट इन द ब्लॉक्स. सो वी आर डन विद नंबर 25 टिल नंबर 25. नाउ वी आर गोइंग टू डू लास्ट 5 नंबर्स, नंबर 26. चलो जल्दी जल्दी करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे वन टाइम. 2 6 26. अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या आता है 26 के बाद? 6 के बाद आते हैं 7 एंड 2 6 26 के बाद आते हैं 2 7 27. चलो 2 7 20 7 7 में कोई मिस्टेक लग रही है? क्योंकि स्लांटिंग लाइन नहीं है, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. Oops. You have to touch the line. Now it is okay? Now slanting line. Ab theek hai. Perfect 7. Okay, so the next number comes 28. Chalo, jaldi jaldi. 2 8 28. Ab 8 kaise write down karna hai? Zigzag one. Ding 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 ding. Kaise karte hai? Aise to karte hai na? Okay. So, we all are done with till number 28. Now, 2 numbers left. Okay. So, we will go and try 2 9 29. 2 9 29. Achha, isme kya mistake hai? There is a mistake. Aap bologe formation to bilkul correct hai. There is a mistake. Kya mistake hai? Just because humne is dots ka use nahin kya. Humne kya kiya? Dot pe touch nahin kiya na? तो आपको ये भी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है. कैसे करना है आपको? जी, डॉट को टच करना है. अब ठीक है. ओके, दिस इज अ परफेक्ट वन. नाउ द लास्ट नंबर इज लेफ्ट 3 0 30 3 0 30 3 0. रॉन्ग. क्या रॉन्ग है? It is getting out of the block and इसमें तो लाइन टच ही नहीं हुई. 3 0. ये वी आर डन विद काउंटिंग. उफ, कितनी लाइन्स करी हमने? अच्छा 3 लाइन्स. कौन कौन सी? 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. रिवाइज करना करें? नहीं, चलो कोई बात नहीं, वी रिवाइज इन द नेक्स्ट क्लास. अब क्या करेंगे? आपको नोटबुक में करना है, और अगर आपके ये पेजेस कंप्लीट नहीं है बुक के, तो आपको कंप्लीट करके मैम को सेंड करना है. मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू नंबर्स. आज की क्लास एंजॉय करी? ओके, तो अब क्या करोगे? काउंटिंग नोटबुक में करोगे और रिकॉग्निशन भी करोगे. ओके, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. नाउ मैम इज हैविंग समथिंग फॉर यू. Here are your numbers 1 to 30. Here are your numbers 1 to 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9